दो मासूमों की फेंसिंग तार के विद्युत तरंगों की चपेट में आने से मौत। बलौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शनिचराडीह में आज दो बच्चों की फेंसिंग तार में आए विद्युत तरंगों की चपेट में आकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आज शाम लगभग 4:00 बजे शनिचराडीह में रहने वाले रुद्र कुमार पिता गणेश राम उम्र 5 साल और गुलशन कुमार पिता जगदीश राम उम्र 4 साल घर के पास गली में खेल रहे थे। खेलते हुए वे घर की बाड़ी में फेंसिंग तार को छुए। छूते ही रुद्र तार से चिपक गया। रुद्र को फंसा देखकर गुलशन उसे छुड़ाने गया और वह भी तार में प्रवाहित करंट से झटपटाने लगे, जिसके निशान वहां देखे जा सकते हैं, और फेंसिंग तार के प्रभाव में आकर बेहोश हो गए। गांव वालों ने देखा तो दोनों बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलौदा ले गए, जहां डॉक्टर ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस कार्यवाही में शाम 6 बज जाने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। बिजली विभाग की लापरवाही पड़ रही है भारी। बरसात आने पर अनेक जगह टूटे तार लोगों की मौत का कारण बनते हैं। अकलतरा के अमली पाली में ट्रांसफार्मर के आसपास विद्युत प्रवाहित होने से एक गाय की मौत कुछ दिनों पहले हो गई है। बरसात आने के पूर्व बिजली के लटकते तारों और अवैध कनेक्शन लेने वालों पर यदि बिजली विभाग कार्यवाही करे तो बिजली से मरने वालों की संख्या कम की जा सकती है, परंतु मौत के बाद सबक लेने और कभी कभी मौत के बाद भी सबक नहीं लेने का अवगुण न जाने कितनों की गोद उजाड़ता है और कितने घरों के मुखिया चल बसते हैं। मोर नाम तरुण पटेल है, मैं ग्राम सनिचरा के निवासी हूँ। आज हमारे गाँव में शाम करीब 4 बजे के करीब दो जने लड़का मन फेंसिंग तार में चिपक गए, जेला हमन उप स्वास्थ्य केंद्र बलौदा लाए हन। तो वहाँ डॉक्टर मन उमन ला मृत घोषित कर दी, जेला हमन सब परीक्षण केंद्र लाए हन। वहाँ से ओकर बाद यहाँ देखा थन आए हन, तब न यहाँ लाइट के व्यवस्था है, न यहाँ फ्रीजर है, और लड़का मन ला इसने जे सुला दे है। प्रशासन के कत्ता बड़े यह गलत देखा था हमन, ना तो यहाँ पोस्टमार्टम करा थे अभी, और कल सुबह करबो कहा थे भाई, और रात के यहाँ रुका कहा थे, ना पुलिस है ना कुछ नहीं है, हमन कैसे रहो, यहाँ लाइट भी नहीं है ना पानी के व्यवस्था है। मोर नाम सुरेंद्र कुमार पटेल है, मैं गांव सनिचरा के रहने वाला हूँ। हमारे गाँव में आज 4 बजे के आस पास दो जने नाबालिग बच्चा 5 साल के स्कूल ले पढ़ के आई, जेमन खेलत रही से और ओमन जो खम्भा रही थे गांव में तार के चपेट में आके ओमन के मौत हो गए है। तो एक प्रकार से हमार बलौदा बिजली विभाग के बहुत बड़े लापरवाही है, ये मतलब बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और दूसरी ओर हमन जब ओमन ला स्वास्थ्य केंद्र बलौदा लाइन तो डॉक्टर मृत घोषित कर दिए है, ओकर बाद हमन बलौदे सब परीक्षण केंद्र लाए हैं, जिया हमन अभी 7 बज गए है, यह हमारे रुके हवन, जी यहाँ अभी ना लाइट के व्यवस्था है, ना अंदर में फ्रिज के व्यवस्था है, बस लड़का के बॉडी है इसने पड़े हवे, और यहाँ प्रशासन के बहुत बड़े लापरवाही है बोला जाए, ना अंदर अब फ्रीजर है ना कुछ नहीं, तो शासन बिल्कुल ये सब चीज़ के ध्यान देना चाहिए। और हमारे लिए बहुत बड़े परेशानी होते, हमारे लिए यहाँ रात रुकना है, न यहाँ लाइट की कुछ व्यवस्था नहीं, तो सरकार के बहुत बड़े लापरवाही है और बहुत परेशान है ना।